अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 14। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉइंटर्स को, डायनामिक मेमोरी को, और कंसेप्ट हमने देखा था न्यू कीवर्ड का। ये न्यू कीवर्ड हमने क्या कहा था, ये दो काम करता है। लेट्स से रिजर्व करेगा मेमोरी इन ए हीप, जितनी मेमोरी आप रिजर्व करवाना चाहें। लेट्स से हम इस स्टेटमेंट में हमने बात ये कर रहे थे कि डायनामिक मेमोरी में आप 10 स्लॉट्स क्रिएट करें ऑफ 4 बाइट्स। इन अदर वर्ड्स, डायनामिक मेमोरी में आप एक 10 इंडेक्सेस की अरे क्रिएट करें। फिर हमने ये देखा था कि ये इंडेक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। फिर जब न्यू एलिमेंट है, आपको फर्स्ट इंडेक्स का रिजल्ट रिटर्न करेगा, वो किस में स्टोर होगा, APTR में। फिर हम उसको अरे नोटेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमने कीवर्ड देखा था डिलीट, कि हम मेमोरी को खुद से कैसे डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट के बाद अगर हमने उस मेमोरी को सी आउट किया तो हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई। तो हम इसी को आगे मूव करते हैं कि लेट से हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं सिंपल C++ के इनसाइड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डायनामिक मेमोरी। और देन उसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड्स अपनी बैक क्लास पे, कि हम बैक क्लास पे जो एक्चुअल हमारा टारगेट था वो क्या था, कि हमारे पास ये जो अरे है इट्स नॉट ए डायनामिक मेमोरी, ये क्या है, स्टैटिक अरे। आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो रन टाइम पे आप इस स्पेसिफिक अरे को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने इसके सोल्यूशन के लिए पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड किया, हीप मेमोरी को अंडरस्टैंड किया। तो नाउ लेट्स से हम एक छोटा सा प्रोग्राम पहले राइट करेंगे मोर अंडरस्टैंडेबिलिटी डायनामिक मेमोरी के लेंगे, देन हम मूव करेंगे अपने डायनामिक बैक की तरफ। नाउ लेट्स से हम एक अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम उसे कहते हैं इंट, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम क्या रख लेते हैं, साइज। और उसके बाद हम एक पॉइंटर ले लेते हैं इंट, हम उसे कह देते हैं स्टेरिक डेटा। कुछ भी नहीं है, रीज़न क्या है कि अभी हम देखेंगे कि हम डायनामिक मेमोरी में इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ ए इंटीजर मेमोरी। देन हम अगेन एक इंट ले लेते हैं इंट, और उसको नाम क्या देते हैं, यूज्ड। तो फिर हम देखेंगे कि इन्हीं वेरिएबल्स को हम कैसे बैक डॉट एच के अंदर इंक्लूड करेंगे, और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। फ्लट से हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। साइज़ किसके लिए, हम यूज़र से पूछेंगे कि हमने अपनी अरे का इनिशियल साइज़ क्या रखना है। यूज आपको ऑलरेडी नो है, हमें यूज़ से पता चल जाए कि अरे में अभी तक आप कितनी वैल्यू स्टोर करवा चुके हैं। और इन डेटा स्टैटिक, अगेन इट्स ए डायनामिक अरे जस्ट लाइक दिस। अब हमें स्टैटिक के बजाय क्या चाहिए, एक डायनामिक अरे चाहिए। तो हम देखेंगे कि डायनामिक अरे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से हम स्टार्ट लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से सी आउट, यूज़र से पहले हम एक वैल्यू ले लें, प्लीज़ इंटर द साइज ऑफ एन एरे इन डायनामिक मेमोरी। और सी इन हम करवा लेते हैं साइज, कि यूज़र इस साइज में कोई वैल्यू हमारे पास पास करे, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी इस एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो लेट यूज़र ने कहते हैं आपके इनपुट किया 5, तो हम कहेंगे क्या आप करें डाटा में इक्वल क्या कर दें, न्यू इंट, और इसको पास क्या कर दें साइज। लेट से वही हमारी स्टेटमेंट है, पहले हमने कांस्टेंट एक किया था। लेट से हमने कहा था इंट बी स्टैरिक बी अंडरस्कोर PTR इक्वल टू, और कॉन्स्टेंट वैल्यू 5 दी थी या हमने 10 दी थी। तो वही चीज़ हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू मोर जेनेरिक वे, कि आप यूज़र से पूछें आप क्या अरे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, और उसकी बेस पे आप एक डायनामिक मेमोरी में जितना यूज़र ने बताया है साइज इतनी मेमोरी रिजर्व करवा दें। तो अगेन न्यू दो काम करेगा,
इस स्पेसिफिक साइज की एरे जनरेट करेगा डायनामिक मेमोरी में, और फर्स्ट इंडेक्स का रिजल्ट रिटर्न कर देगा जो कि स्टोर किसमें होगा, पॉइंटर जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेटा। सो अगेन हमने क्या यूज़ किया था, आप डाटा के साथ पीटीआर लिख दें ताकि आपको पता आप चल जाए कि इट्स नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, इट्स ए स्पेशल पॉइंटर। सो नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से हम इस स्पेसिफिक डेटा के इनसाइड कुछ वैल्यूज इंसर्ट करा लेते हैं, और हमने देखा था कि हम अगर अरे जनरेट कराएं तो हम नॉर्मल अरे की नोटेशन को पॉइंटर्स के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन, लेट्स से हमने इस अरे कंप्लीट अरे में वन बाय वन डाटा स्टोर करवाना है रेंडमली, लेकिन ये अरे कितने की है, अब हमें पता है कि जितना यूज़र ने साइज़ पास किया है उतनी ही ये क्या है, अरे है। लेट्स से अगर यूज़र ने पास किया 5, तो 0 से लेके 4 इंडेक्सेस आपके क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो हम इसको लेस देन क्या कर लेते हैं, साइज एंड आई प्लस प्लस, एंड अब हम डाटा स्टोर करवा लेते हैं किस तरह, डाटा अंडरस्कोर पी टी आर इक्वल टू, हम रैंडम नंबर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उसका तरीका ये है रैंडम मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय रिमाइंडर बाय 100। तो इट्स ए स्पेशल फंक्शन जो 1 से लेके, लेट्स से हम इसको 1 प्लस 1 से लेके 100 के दरमियान में हर दफ़ा रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। तो उसके लिए जो लाइब्रेरी अवेलेबल है वो क्या है, stdlib.h। हम इसको आप डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन एक फॉर लूप अप्लाई कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने अप्लाई किया हुआ है, कंट्रोल एंड आउट, हम कह देते हैं डाटा अंडरस्कोर पीटीआर और आई। तो डाटा पीटीआर के इनसाइड हम इंडेक्सेस प्रोवाइड करेंगे आई, और यूज्ड को हम क्या करेंगे, हर इंसर्ट के बाद हमने यूज को क्या करना है, प्लस वन करना है। तो सिमिलरली जो हमने बैग में लॉजिक देखी थी, तो उसमें से थोड़ा सा अगर आप नोट करें डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे यूज इज इक्वल टू क्या कर देंगे, यूज प्लस वन, लेकिन हमें यूज को इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप यूज को इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट उसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, तो गार्बेज वैल्यू में अगर आप प्लस करेंगे तो अगेन वो सम गार्बेज वैल्यू ही आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट सी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, एरर क्या है कि आपका ये सेमी कॉलन नहीं है। अगेन कंपाइल करें, ओके अगेन सेमी कॉलन मिसिंग, तो प्लीज इंटर द साइज ऑफ एन अरे, लेट्स से हम कहते हैं 5, इंटर करेंगे तो हमारे पास सम हाउ कुछ रेंडम नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जस्ट हम इसको हैंडल करके देखते हैं कि हमारी अरे क्या जनरेट हुई है रेंडम नंबर की, एंटर, अगेन कंपाइल, कंपाइल कंपाइल कंपाइल, तो प्लीज इंटर डायनामिक मेमोरी 5। तो हमारे पास ये 5 रेंडम नंबर जनरेट हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये आपको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये नंबर स्टैटिक मेमोरी में नहीं है, ये नंबर जो स्टोर हैं वो डायनामिक मेमोरी में स्टोर हैं, और आपके डाटा के पास क्या है, एड्रेस का फर्स्ट इंडेक्स है इस स्पेसिफिक डायनामिक मेमोरी का। तो लेट से अगेन हम इसको क्या देते हैं, लेट से 10, तो 10 नंबर्स आपके क्या होंगे, 1 से लेके 100 तक रेंडमली जनरेट होंगे। तो अगेन अगर आप इस मेमोरी को कह दें कि इट्स ए 20, तो आपके 20 नंबर्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल स्टैटिक बैग ही जैसा है। तो डिफरेंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ ए डिफरेंस, कि अब हम इस स्पेसिफिक डायनामिक अरे को उससे रिमूव भी कर सकते हैं एंड फर्दर इसके अंदर वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लोकेशन पे पहुंच के
आपको आइडिया हुआ हुआ कि लेट से आपने इनिशियल साइज 5 दिया था, बट यू नीड एरे ऑफ 10। यहाँ पे अब आपको 10 की एरे चाहिए। लेट से हम दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल कंपाइल, लेट से मैं 5 एरे मैंने दिए, रैंडम नंबर जनरेट हो गए। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया है, लेकिन इस लोकेशन पे इस डिस्प्ले के बाद मुझे ये फील हुआ कि अब इस एरे में 5 नहीं 10 नंबर्स होने चाहिए थे। सो मैं चाह रहा हूँ कि रन टाइम पे ये एरे दोबारा जनरेट हो। लेट से ये एलिमेंट्स तो रहें, लेकिन मोर 5 एलिमेंट्स भी क्या हों इस एरे में ऐड हों। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, समहाउ हमारा जो डाटा अंडरस्कोर पीटी आ रहा है इसके साइज़ को हमने इंक्रीज करना है। तो इसका सलूशन सिंपल आपके पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्या करें, डायनामिक मेमोरी क्रिएट करें। एक और हम डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ इंक्रीज। तो टारगेट ये याद रखें, टारगेट हमारा क्या है, हमने इस एलिमेंट का अभी तक जो साइज़ है, इस प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, लेट्स से दोबारा मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एंड कंपाइल। तो लेट्स से 5। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि अभी तक इस अरे का जो साइज है, लेट्स से हम 5 ही दोबारा राइट करेंगे, 5 है। और रन टाइम पे हमने इस स्पेसिफिक डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू 10 एलिमेंट। सो इन अदर वर्ड्स, ये जो सारी एलिमेंट्स हैं ये क्या हों, किसी जगह पे स्टोर हों, और फर्दर आपके क्या हों, 5 एलिमेंट्स आपको क्या हों मिल जाएं। तो लेट्स स्टार्ट, हम कह लेते हैं कि एक और हम पॉइंटर ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं इंट स्टेरे टेम्प अंडरस्कोर पीटीआर। एक टेम्परेरी वेरिएबल हम लेते हैं और अगेन उसमें स्टोर करवा देते हैं इक्वल टू लेट्स से न्यू इंट टेम्प। अभी हम स्टैटिक वैल्यू रखते हैं क्योंकि इनिशियली हमने इस पीटीआर में जो साइज लिया था वो 5 था, अब हमें एक 10 की एरे चाहिए। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि रन टाइम पे आप एक और 10 की एरे क्रिएट करें। ये सारा डाटा, सबसे पहले जो डाटा पीटीआर में पड़ा हुआ है उसको इस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर, एरे के अंदर इंसर्ट करें। तो सिचुएशन हमारे पास इस टाइम तक क्या आ चुकी है, लेट से हमारे पास एक ऑलरेडी एरे बनी हुई है अभी तक जो हमने बनाई थी। लेट से डायनामिक मेमोरी में ये क्या है हमारे पास, डाटा। लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम हमने कहा डाटा 5 इंडेक्सेस का ना हो। लेट से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स हमने रेंडमली स्टोर करा दिए। लेकिन रन टाइम पे हमें, हमने कहा कि इस मेमोरी को आप क्या करें, इंक्रीज करें। तो इंक्रीज करने के लिए हमने एक टेम्परेरी मेमोरी डायनामिक मेमोरी में ही क्या की, क्रिएट की, और उसको इंडेक्सेस कितने हमने प्रोवाइड कर दिए, 10, फ्रॉम 0 to 10। और इस मेमोरी का नाम क्या है, टेम्प। और अगेन इटसेल्फ ये क्या है, डायनामिक मेमोरी है। तो लेट से हमारे डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर था 1, 2, 3, 4, 5, 0 से 4 तक टोटल हमारे पास 5 इंडेक्सेस थे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डाटा की जितनी भी वैल्यूज हैं वन बाय वन इस टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। लेट से 1 यहाँ से पिक किया, फर्स्ट 0 इंडेक्स से इसके 0 पे स्टोर करवा दिया, इंडेक्स 1 से पिक किया 2 यहाँ पे स्टोर करवा दिया, इंडेक्स 3 से पिक किया तो इसके इंडेक्स 3 पे हमने स्टोर करवा दिया, इसके इंडेक्स से पिक किया 4 एंड 5 गोज हियर। लेकिन ये लेट से टोटल मेमोरी आपकी क्या है, 5 स्पेसेस अभी एम्प्टी हैं। नाउ ये हम कैसे करेंगे, सिंपली है कि आप इस तरह से वैल्यू को पिक करें और जो टेम्परेरी लार्जर मेमोरी है उसके अंदर स्टोर करवा दें।
उसको करने का तरीका क्या, हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन यूज्ड आई प्लस प्लस, इन अदर वर्ड्स यूज्ड इस लोकेशन पे कितना है, लेट से हमारे पास 5 एलिमेंट हमने रेंडमली चलाए हुए थे, तो 0 पहला एलिमेंट हुआ तो यूज्ड 1 हो गया, दूसरा एलिमेंट ऐड हुआ तो यूज्ड 2 हो गया, 3 4, तो यूज इक्वल टू 5 है। तो हम यहाँ पे जो लूप अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 टू 5 लेस देन 5, तो ऑन अदर वर्ड 0 से 4 तक ये लूप क्या होगा, अप्लाई होगा। एंड देन टेम्प अंडर स्कोर पी टी आर में आई आप स्टोर करवा दें इक्वल टू डेटा अंडर स्कोर पी टी आर आई। ये स्टेटमेंट यहाँ तक हमने जस्ट क्या किया, जो वैल्यूज हमने रेंडमली डेटा पी टी आर में स्टोर की थी वो हमने टेम्परेरी डायनामिक मेमोरी जो अभी हमने टेम्प के नाम से क्रिएट की है उसमें स्टोर करवा दी। तो ये सिचुएशन हमारे पास सिंपल लूप के थ्रू क्या अचीव होगी कि एक रे से हमने वैल्यूज दूसरी रे के अंदर सेंड की, तो ये सिचुएशन तो हमने अचीव कर ली सिंपल फॉर लूप से, और लूप कहाँ तक चलाया, जितना हमारा डाटा यूज हुआ हुआ था इस रे में। क्वेश्चन ये राइज होता है, ये हम बेसिक हमने कर तो लिया, तो अब हमारे पास देखें दो डायनामिक मेमोरीज हैं, एक मेमोरी है जिसे टेम्प पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी है जिसे डेटा पॉइंट कर रहा है। तो अब हमें डेटा वाली वैल्यूज तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने अपनी एक्चुअल मेमोरी को क्या करना है, इस मेमोरी को, ये जो स्पेसिफिक मेमोरी है ये हमारे अब यूज़ के लिए नहीं है क्योंकि ये स्मॉल मेमोरी थी, तो ये इस वैल्यू को या इस डायनामिक मेमोरी को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी है तो हम उससे इसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, डिलीट ऑपरेटर यूज़ करें, डिलीट डेटा अंडरस्कोर पीटीआर। तो जो मेमोरी रिजर्व है डेटा पीटीआर के लिए वो मेमोरी क्या कर दें, रिमूव कर दें, क्योंकि ये एक अरे है तो इस वजह से आप क्या अप्लाई करेंगे, दिस नोटेशन डिलीट एन अरे विच होल्ड्स बाय डेटा पीटीआर, और डेटा पीटीआर ने इस अरे को क्या किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, तो ये अरे आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो नाउ लेट्स कंपाइल देखते हैं, अभी तक कोई एरर तो नहीं है, नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप फॉर डिलीट डाटा अंडर स्कोर पी टी आर, तो लेट्स से इस नोटेशन को हम नहीं यूटिलाइज करते अभी, तो स्पेलिंग हमने ठीक लिखे हैं, पी टी आर है डाटा अंडर स्कोर पी आर टी नहीं है पी टी आर। अगेन कंपाइल, ओके 5 हमने मेमोरी दी, दिस टेन कम प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, तो ये कोड अभी हमने डिस्प्ले करके नहीं देखा, लेकिन इन अदर वर्ड हमारा कोई लॉजिकल एरर नहीं है। नाउ लेट्स से कि हम ये जो डाटा पीटीआर के नहीं हमने जो लूप राइट किया था डिस्प्ले के लिए, वो अगेन हम डिलीट के बाद डिस्प्ले करते हैं। अब तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। लेट्स से 5 एंड देन गार्बेज वैल्यूज, इट मीन हमारा जो डाटा है वो करेक्टली क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो आपको कुछ वैल्यूज एक जैसी नज़र आ रही होंगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इट्स एन गार्बेज वैल्यू, तो सारी वैल्यूज आपकी लेट्स से फर्स्ट 0 1 2 3 4 यहाँ तक था, तो उसके बाद देन गार्बेज वैल्यू हो, फिर 68 के बजाय आप 0 डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि नाउ दे आर सम एट डिफरेंट एड्रेसेस, जिसकी वजह से यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। सो बाई डिफॉल्ट अब जो डाटा पी टी आर के लिए मेमोरी रिजर्व थी, लेट से हमने 5 यहाँ पे राइट किया था, तो 5 के लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो हमने डिलीट पी टी आर के थ्रू रिमूव कर दी। तो अब अगर हम यहाँ पे टेम्प पी टी आर लिखें, तो हम देखेंगे कि हमारी वैल्यूज लार्जर अरे में क्या हो चुकी हैं, स्टोर हो चुकी है। इसे क्लोज कर देते हैं एंड इसको कंपाइल करें, तो लेट्स से अगेन वी टू 5
एंड आपकी वही वैल्यू 42, 68, 35 एंड 70 वैल्यू लार्जर एरे में क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। तो स्मॉलर एरे आपने डिलीट कर दी और टेम्परेरी जो लार्जर एरे थी वो आपने डिस्प्ले करवाई और उसमें डाटा स्टोर किया एंड देन उसे आपने डिस्प्ले करवा दिया। सो नाउ इसको दोबारा हम विजुअलाइज अगर करें तो अगेन हम कह रहे हैं कि हमारे पास लेट से दिस इज एन एरे जिसमें क्या स्टोर था इनिशियली डेटा अंडरस्कोर पीटीआर और ये हमारे पास टेम्प क्या थी, एरे थी और ये टेम्प टी एम पी। सो टेम्प इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दिस एरे और डेटा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। तो हमने वन बाय वन ये सारा डेटा इस एरे में स्टोर करवा दिया। देन हमने कहा कि इस डेटा के अगेंस्ट जो एरे डिक्लेयर है उसे क्या कर दें, रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। इन अदर वर्ड ये जो स्पेस, जब हम वर्ड डिलीट का यूज़ करते हैं इट डजन मीन रैम डिलीट हो जाती है, सिंपली इसका मतलब ये होता है जो मेमोरी रिजर्व थी इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अगेंस्ट डायनामिक मेमोरी में वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। फ्री से मुराद के आप कोई दूसरा प्रोसेस इस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकता है। सो अब टेक्निकली डेटा जो है पीटीआर वो किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये मेमोरी आपने फ्री कर दी, ये कोई और दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, इस मेमोरी को यूटिलाइज कर लेगा। तो टेक्निकली आप डेटा के पास कोई भी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो मेमोरी विल बी फ्री, दिस और डेटा अब किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो अब हमें पता है कि टेम्परेरी किसे पॉइंट कर रहा है, इस स्पेसिफिक लोकेशन को। तो इट्स मीन टेम्प के पास, जैसे हम वापस सकते हैं कंसोल पे आते हैं सॉरी। सो टेम्प के पास जो एड्रेस है लेट से ये फर्स्ट है 901, उसके पास क्या स्टोर है 901। अगर आप ये एड्रेस किसमें स्टोर करवा दें, इस डेटा पीटीआर में, तो अगर मैं कहूँ कि डेटा इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प के पास जो वैल्यू है 901 वो किसमें स्टोर करवा दें, डेटा अंडरस्कोर पीटीआर में, तो डेटा भी किसे पॉइंट करना स्टार्ट कर जाएगा, इस स्पेसिफिक लोकेशन को। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट करने के बाद एक स्टेटमेंट राइट कर दूँ डेटा अंडरस्कोर पीटीआर में क्या स्टोर करवा दें, टेम्प अंडरस्कोर पीटीआर, और अब यहाँ पे हम क्या करें लूप के अंदर डाटा अंडरस्कोर पीटीआर। सो साइज लेस देन क्या हो 10 या हम यूज्ड कह लें जितना भी यूज्ड है लेट्स। अगर आपने यहाँ पे साइज क्रिएट किया है तो एक्चुअली अब जो साइज़ की वैल्यू टेक्निकली हो गई है वो क्या हो गई है 10 हो गई है। तो लेट्स से इस प्रोग्राम को दोबारा हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है तो ये एरर क्या है, सेमी कॉलन। मेमोरी हमने 5 दी, अगेन अगर आप देखें तो हमने अगर डिस्प्ले करवाया तो इसमें एक और सी आउट मैसेज यहाँ पे हम दे देते हैं ताकि मोर अंडरस्टैंड हो जाए ये प्रोग्राम। सी आउट नाउ डेटा पीटीआर हैज टोटल मेमोरी ऑफ 10। तो 5 मेमोरी ऑफ 10 और एंडल नहीं दिखा तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, इसके साथ डिस्प्ले होता है एंडल हम कर देते हैं। सेमी कॉलन एंड ऑफ स्टेटमेंट कंपाइल किया प्रोग्राम एंड नाउ लेट्स से हम कहते हैं
5 एलिमेंट्स. सो नाउ डेटा पीटीआर हैज अ टोटल मेमोरी ऑफ 10. इनिशियली अगर हमने देखें यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे पास उस प्रोग्राम को अगर हम कंपेयर करें विद आउटपुट, तो हमने सबसे पहले यूज़र से पूछा कि आप साइज़ ऑफ एन एरे बताएं. उसने कहा सीन हमारे पास क्या है साइज. तो हमने डेटा पीटीआर में 5 इंडेक्सेस की एरे क्रिएट की, उसमें रेंडम वैल्यूज ऐड की. देन हमने जब उसको डिस्प्ले करवाया तो डिस्प्ले हम साइज नहीं यूज कर तक कहते हैं मोस्टली. जब डाटा उसमें हमने डिस्प्ले करवाया तो हमें क्या डिस्प्ले हुआ, 4268, क्योंकि रैंडम वैल्यूज इसमें हमने इस फॉर्मूला के थ्रू स्टोर करवाई थी. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा कि क्योंकि अब हमें लार्जर अरे चाहिए, तो हमने एक टेम्परेरी लार्जर अरे जनरेट की. जो स्मॉलर अरे थी डाटा पी टी आर जिसे हम कह रहे हैं, उसका सारा डाटा टेम्परेरी अरे में स्टोर करवाया. उसके बाद स्मॉलर अरे को हमने डिलीट कर दिया और टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू हमने डेटा पी टी आर में स्टोर करवा दी. ये सिचुएशन टेम्प इज इक्वल टू डेटा पी टी आर. तो अब डेटा पी टी आर भी किससे पॉइंट कर रहा है, इस स्पेसिफिक लार्जर अरे को. फिर हमने कहा कि आफ्टर डिलीशन जब हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाया तो वैल्यू आपकी एग्जैक्टली वैसे ही क्या हुई, डिस्प्ले हुई जैसे आपकी नॉर्मल अरे है. लेकिन इस लोकेशन तक आपके डाटा पी टी आर के इंडेक्सेस कितने थे, 5, अब कितने हैं एक्चुअली 10. तो रन टाइम पे डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आप ये राइज कर सकते हैं, ये काम तो हम नॉर्मल अरे से भी कर सकते हैं. वेल यू कैन डू, आप इसको ट्राई करें नॉर्मल अरे के साथ कि एक नॉर्मल अरे क्रिएट करें आप, उस अरे में आप कुछ एलिमेंट स्टोर करें, फिर आप एक लार्जर अरे क्रिएट करें और सारे एलिमेंट उसमें स्टोर करवा दें, ठीक है, और उस लार्जर अरे को आप डिस्प्ले करा दें. तो फिर डायनामिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी में यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं विजुलाइज करके. लेट्स सपोज अगर आप यही काम नॉर्मल अरे के साथ करते, लेट्स से कि आप नॉर्मल अरे बनाते उसी तरह ही, उसमें आप 5 एलिमेंट क्या कर देते, स्टोर कर देते. लेट्स से 1, 2, 3, 4 0 से स्टार्ट होते हैं. लेट्स से हम कह रहे हैं कि इट्स योर 0 इंडेक्स. तो एक नॉर्मल अरे आपने क्रिएट की. फिर आप एक और नॉर्मल अरे क्रिएट करते हैं, लार्जर अरे जिसे आप कह रहे हैं. ये डाटा आप 1 by 1 उस लार्जर अरे में स्टोर करवा देते एंड देन आप लार्जर अरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें. तो आप क्या देख सकते हैं कि हमने रन टाइम पे मेमोरी क्या कर ली है, इंक्रीज कर ली है. नो डाउट लार्जर अरे मेमोरी तो आपने इंक्रीज कर दी. तो ये लार्ज अरे है, ये स्मॉल. लेकिन डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम आप अब स्मॉलर अरे को रिमूव नहीं कर सकते मेमोरी से. ये उस टाइम तक मेमोरी में रहेगी जब तक आपका कंपाइलर कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं कर लेता, या इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जहाँ पे ये अरे क्रिएट है, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान से इसका स्कोप आउट नहीं हो जाता, ये मेमोरी आपकी एग्जिस्ट रहेगी, इन अदरवाइज रिजर्व रहेगी. लेट्स से अगर ये 5 की थी तो 20 बाइट्स आपके रिजर्व रहेंगे. जबकि हमारे केस में जो हमने कोड राइट किया है उसमें हमने कहा कि लार्जर अरे क्रिएट करें और प्रीवियस अरे को डिलीट कर दें. तो डायनामिक अरे का फ़ायदा क्या, आपने ये सारी वैल्यूज तो पास कर दी यहाँ पे, अब इस मेमोरी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लार्जर अरे को हमने क्रिएट किया हुआ है. तो ये मेमोरी हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी. और हमारा डाटा जो पॉइंट कर रहा था, जो एक्चुअल अरे जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे, हमने टेम्प का एड्रेस इसमें स्टोर करा दिया. अब ये डाटा इस अरे को पॉइंट करने के बजाय इस लार्जर अरे को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है. सो फिजिकली तो हमने सिंपल वही काम किया है कि स्मॉलर अरे से डाटा लार्जर अरे में फिर भेजा. लेकिन लॉजिकली हमने क्या किया है कि रन टाइम पे अपनी स्पेसिफिक अरे का साइज रन टाइम पे इंक्रीज किया है. और रन टाइम पे क्योंकि डायनामिक मेमोरी में ये तो मेमोरी डिलीट हो गई, तो अब डाटा पी टी आर का एक्चुअल साइज क्या हो गया, 10. तो ये सिंपल फार्मूला या टेक्निक है कि आप रन टाइम पे कैसे वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं. तो अगर हम नोट करें, इट जस्ट ए अरे मैनिपुलेशन कि आप एक अरे क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं ओके आप साइज इसका क्या कर दें, 10 कर दें. तो आप एक टेम्परेरी अरे बना रहे हैं, प्रीवियस अरे का डाटा उस टेम्परेरी में स्टोर कर रहे हैं, देन स्मॉलर अरे को आपने यहाँ पे डिलीट किया और
जो टेम्परेरी अरे का एड्रेस है वो किसमें स्टोर करवा दिया, डेटा पीटीआर में। तो अब मोर अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो मैं आपको दोबारा से इसकी विजुअलाइजेशन बता देता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे हो रहा है। तो इसको अगेन थोड़ा सा आप क्या करें, गौर से देखिएगा एक्चुअली ये काम या विजुअलाइजेशन इसकी है कि हो कैसे रही है। तो हमें अगेन एक छोटा सा मेमोरी वेरिएबल टेबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज अवर मेमोरी वेरिएबल टेबल। सो मेमोरी वेरिएबल टेबल में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं प्रोग्राम के स्टार्ट से हम देखते हैं। तो लेट्स से हम अभी इसकी बात करते हैं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो एक आपका मेमोरी वेरिएबल टेबल में, क्योंकि आप आइडेंटिफाई बना रहे हो तो आपके पास टोटल तीन यहाँ पे क्या हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, इन अदर वर्ड्स वेरिएबल्स हैं, पॉइंटर वेरिएबल एंड दो इंटीजर वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर क्या करेगा, आपके पास लेट्स से दिस इज अवर स्टैटिक मेमोरी। तो स्टैटिक मेमोरी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वेरिएबल क्रिएट करेगा। लेट्स से दिस इज फॉर साइज, दिस इज फॉर पॉइंटर एंड दिस इज फॉर यूज्ड मेमोरी वेरिएबल में। पहले तो कंपाइलर ये मेमोरी या ये वैल्यूज टेबल में स्टोर करेगा। फिर साइज जो है एक्चुअली एस, जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोबारा देख लें, इन तीन एलिमेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि साइज एस पी एंड दिस इज अवर यूज्ड। तो साइज के अगेंस्ट टोटल मेमोरी कितनी रिजर्व करनी है, क्योंकि साइज इंटीजर है तो 4 बाइट्स रिजर्व करें लेट्स से स्टैटिक मेमोरी में, और इसका एड्रेस क्या है 901, लेट्स सपोज करें। तो 901 यहाँ पे क्या कर लें, स्टोर कर लें। फिर सेकेंड जब पॉइंटर की बात आएगी, यहाँ पे क्या है, इंट स्टैटिक स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। तो मेरा पीसी जो है 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो इन अदर वर्ड इस पॉइंटर के लिए टोटल कितने बाइट्स रिक्वायर हैं, 8 बाइट्स। तो वो स्टैटिक मेमोरी में स्टोर होंगे। लेट्स से 901 + 8 कितना, नेक्स्ट एड्रेस क्या बनेगा, 910 एड्रेस, और वो आपका स्टैटिक मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इसमें 910। नेक्स्ट आपके पास है यूज अगेन 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स 8 + 910 + 4 बाइट्स अगर ऐड करें तो लेट्स से हम कह सकते हैं नेक्स्ट एड्रेस जो जनरेट होगा वो होगा 901 + 4 914 पे। तो यूज़ के लिए जो मेमोरी रिजर्व हुई 914, ये 901 0 है, 910 ये मेमोरी एड्रेस है। तो यहाँ तक स्टैटिक मेमोरी क्या कर रही है, काम कर रही है। सो बी के पास यहाँ पे एक्चुअली आपकी क्या होंगी, स्टैटिक मेमोरी में इन वेरिएबल्स के अगेंस्ट एक्चुअल जो वैल्यू होंगी वो स्टैटिक मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी यहाँ पे। सो एड्रेस कंप्लीशन यहाँ तक हो गई, तो हम नेक्स्ट कंपाइलर के स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले सी आउट मैसेज डिस्प्ले हो, प्लीज इंटर द साइज ऑफ योर अरे। यूज़र ने सी इन किया 5, तो आपने सी इन का कहा स्टेटमेंट राइट की सी इन साइज। तो कंपाइलर सबसे पहले अपने मेमोरी वेरिएबल टेबल पे जाएगा, देखेगा साइज वेरिएबल है, यस अवेलेबल है, उसका एड्रेस क्या है 901। 901 मेमोरी पे जाएं, यूज़र ने जो भी सी इन किया है वो स्टोर कर दें। यूज़र ने लेट से सी इन किया था 5, तो 901 मेमोरी पे 5 स्टोर हो गया। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम जाएंगे, कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, डेटा पी टी आर इज इक्वल टू न्यू साइज इंट। तो लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाइलर जाएगा, पहले चेक करेगा डेटा पी टी आर के नाम से, पॉइंटर के नाम से कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लेट से मेमोरी वेरिएबल टेबल में एक डेटा पी टी आर लेट से ये वाला है, ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, कंपाइलेशन का एरर नहीं आएगा। फिर वो अपने राइट साइड पे आके देखेगा, यहाँ पे एक आपने सिंपल न्यू कीवर्ड लिखा हुआ, लेट्स एक फंक्शन राइट किया हुआ,
वो कहेगा अच्छा न्यू लिखा हुआ है, इट्स मीन इसका मतलब है कि अब जो मेमोरी रिजर्व करनी है वो डायनामिक मेमोरी में करना है। तो लेट्स से इट्स इज अवर डायनामिक मेमोरी, तो इट्स अवर डायनामिक, या आप इसे हीट मेमोरी में कह सकते हैं। तो इट्स अवर डायनामिक मेमोरी। अच्छा डायनामिक मेमोरी में क्या करना है जी, जो यूज़र ने कहा है वैल्यू ऑफ साइज, तो यहाँ से वो पिक करेगा साइज की क्या वैल्यू है, कहाँ से जाके अगेन देखेगा साइज वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ओके 901 पे जाएं, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो पिक कर लें, और वो वैल्यू क्या है 5। सो इंट 5 यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। तो इंट 5 का मतलब क्या है, डायनामिक मेमोरी में 5 इंडेक्सेस की अरे जनरेट करें। तो लेट्स से इट्स ए कंप्लीट डायनामिक मेमोरी, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो 4, 0 से 4 तक टोटल 5 इंडेक्सेस की अरे क्या होगी, क्रिएट होगी। तो न्यू ने क्या किया, डायनामिक मेमोरी में लोकेशन रिजर्व की, सबसे पहले कितने इंडेक्सेस, 5 इंडेक्सेस, क्योंकि आपने साइज में वैल्यू क्या है 5। सेकंड स्टेप न्यू क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। अच्छा अब वो इन 5 में से किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, हमेशा आपका जो वैल्यू है, जो न्यू ऑपरेटर है, अरे का फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, या जीरो इंडेक्स जिसे आप कहते हैं, जीरो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। सर लेट्स से जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है वो है 1, 1, नेक्स्ट एड्रेस है 1, 5, क्योंकि 4 बाइट्स है तो नेक्स्ट एड्रेस 1, 5 होगा, फिर 1, 9, तो लेट्स से 23 एंड दैट्स इट। सो जीरो इंडेक्स की वैल्यू, या सॉरी जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है वो रिटर्न होगा। अच्छा वो रिटर्न होगा तो स्टोर कहाँ पे होगा, डेटा पीटीआर की मेमोरी में। तो अगेन मेमोरी वेरिएबल टेबल की तरफ हम आएंगे, हम देखेंगे पीटीआर है ओके, पी एड्रेस उसका क्या है 910। तो 910 पे आएँ, जो न्यू ने वैल्यू रिटर्न की है एड्रेस, वो इस लोकेशन पे स्टोर करवा दें। तो वो लोकेशन क्या बनती है, ये वाली। तो 11 एड्रेस जो है यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, हम कह सकते हैं कि स्टैटिक मेमोरी के इनसाइड ये जो पॉइंटर है, ये इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, डायनामिक मेमोरी के इनसाइड। कि यहाँ तक होप्स हो के सबको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा कि जीरो से लेके, अगेन हमने एक न्यू इंटीजर क्रिएट किया, तो अगेन दिस इंटीजर विल बी क्रिएटेड इन योर सबसे पहले मेमोरी वेरिएबल टेबल में आई के नाम से, उसके लिए स्पेस रिजर्व होगी। लेट से दिस वन आई, इनिशियल आई की वैल्यू क्या है 0। ओके फिर हम क्या कह रहे हैं, डेटा पीटीआर आप आई, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, उसमें रैंडम नंबर स्टोर करवा दें। अब एक्चुअली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आप अरे नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप बात करते हैं डेटा अंडरस्कोर पीटीआर 0, तो एक्चुअली ये नोटेशन कैलकुलेट कैसे होती है कि आप डेटा पीटीआर की वैल्यू पिक करें। अच्छा डेटा पीटीआर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, ये पॉइंटर है, इसकी मेमोरी पे जाएं और वैल्यू क्या पड़ी हुई है 11। इन अदर वर्ड इसे एड्रेस विच इज 64 बिट, लेकिन सिर्फ शो करवाने के लिए हमने क्या कहा है, एड्रेस क्या है 11। तो डेटा पीटीआर प्लस ये नोटेशन कन्वर्ट होगी दिस वन इनटू दिस, और उसके ऊपर क्या आपने ऐड कर दिया स्टेरिक। तो डेटा पीटीआर की वैल्यू क्या है कि 11 एड्रेस में प्लस 0 बाइट्स ऐड करें। तो अगर आप 0 बाइट्स ऐड करेंगे तो एक्चुअली आप किस एड्रेस पे जाएंगे, 11 इस स्पेसिफिक एड्रेस पे, क्योंकि साथ आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर ऐड कर दिया और आपने कहा कि एक रैंडम नंबर यहाँ पे क्या करें ऐड कर दें। तो लेट्स से रैंडम नंबर जनरेट हुआ 5, तो 11 प्लस 0 बाइट, इट मीन नथिंग विल बी एडिड। 11 मेमोरी एड्रेस पे रैंडम नंबर जनरेट हुआ 5, तो 5 यहाँ पे क्या कर दें, स्टोर करवा दें। तो इसको हम अब रिमूव करते हैं। तो लेट्स से अब लूप आपका आई की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू जब आपकी इंक्रीमेंट होगी तो इट विल टेक टाइम, तो
ये आपको क्या होगा, दोबारा से इसे हम i1 के लिए भी देखते हैं, तो एक्चुअली वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है। सो नीड टू टेक टाइम, नाउ आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी स्टोर, लूप वाइज यूज्ड में क्या होगा, +1 अगेन यूज के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, 910। तो यूज की इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो अब वो इस मेमोरी लोकेशन पे क्या हो जाएगी, 1, स्टैटिक मेमोरी के इनसाइड। लूप वापस जाएगा, आई में क्या होगा, इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये मेमोरी वैल्यू अपडेट होगी और यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, लेट्स से 1। अब वापस आप लूप के इनसाइड आएंगे, लेट से लूप के इनसाइड आए, तो अब डाटा PTR 1 के इनसाइड अगेन एक रैंडम नंबर जनरेट करें, अगेन डाटा PTR, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे डाटा राइट कर देता हूँ, आप 1 में आप क्या करें, अगेन रैंडम नंबर, तो अगेन कंपाइलर इसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, डाटा की जो भी वैल्यू है, लेट से PTR की जो भी वैल्यू है उसमें +1 bytes करें और डी रेफरेंस ऑपरेटर ऐड कर दें। तो डेटा PTR की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर आप नोट करें तो वो 11 ही है। अब 11 मेमोरी एड्रेस में +1 करें, अगेन इट्स नॉट ए अर्थमेटिक प्लस, इट्स ए ऑपरेटर ओवरलोडेड, कि +1 का मतलब क्या है कि 4 bytes, क्योंकि आपकी जो ये मेमोरी है पॉइंटर डायनामिक की वो इंटीजर है, 11 में +4 bytes करें, तो अगर आप 4 bytes करेंगे जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, 15, 11 प्लस 4 बाइट्स, एक दफ़ा 4 byte ऐड करें, तो एक दफ़ा ऐड करने से जो एड्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, 15। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे वैल्यू आएगी 15, से 15 55, तो इस 15 पे वैल्यू पे आप जाएं और क्या स्टोर करा दें, लेट्स से रैंडम नंबर जनरेट हुआ 20। सो जब लूप वापस जाएगा तो नेक्स्ट टाइम 11 प्लस 2 हो जाएगा, तो इन अदर वर्ड्स 11 में +4 bytes ऐड करें, कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 times 4 bytes ऐड करें, पहली दफ़ा आप एक 4 byte ऐड करेंगे तो एड्रेस आएगा 15, सेकेंड टाइम 4 bytes ऐड करेंगे तो एड्रेस आएगा 19, तो लेट्स से रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ वो क्या था, 3, और 3 आप इस मेमोरी लोकेशन पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस पे से आपके डायनामिक मेमोरी में क्या हो रही है, वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। तो सिमिलरली आउटपुट भी इसी तरह ही होंगी, जब आप सी आउट डाटा PTR 3 लिखते हैं तो अगेन डाटा PTR की जो भी वैल्यू है उसमें +3 करें, उस एड्रेस तक मूव करें और जो भी वैल्यू है डिस्प्ले करवा दें। सो नाउ एक्चुअल जो अब हम वापस करते हैं, ये कल वाला ही हमने दोबारा क्या किया है, डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन अब हमारा ये है कि अब हमने वैल्यू को इनक्रीज करना था, तो वो उसको विजुअलाइज करके हम देख लेते हैं, जो हमने कोड राइट किया है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है या मेमोरी के अंदर उसकी पिक्चर कैसे बन रही है। सो लेट मी रिमूव दिस, सो टुडे लेक्चर कैन बी अ लिटिल बिट लॉन्ग, क्योंकि आगे आपका वैसे भी कोई लेक्चर नहीं है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आज आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, क्यों नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम बैग को कन्वर्ट करेंगे इनटू डायनामिक बैग, और यही कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट फंक्शन में। सो नाउ लेट्स सपोज यहाँ तक आपको सिनेरियो समझ आ गया, एडिशन का डिस्प्ले करने का भी वही सिनेरियो है, आई की इनिशियल वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी आपने, क्योंकि आई इक्वल टू 0 रखा हुआ है, फिर डाटा PTR 0, इंडेक्स 0 पे कैसे मूव करना है अभी आपने देखा, और जो भी वैल्यू है वो कंसोल पे डिस्प्ले करवा दें। इस लोकेशन पे हमने कहा कि हमें अब लार्जर मेमोरी चाहिए, क्योंकि जो डाटा PTR के अंदर मेमोरी है वो कम है, हमें 5 slots मोर चाहिए। अब टेक्निकली यहाँ पे तो कोई वैल्यूज अभी एकदम हम ऐड नहीं कर सकते, इससे जो डाटा अगर हम बात करें तो ये डाटा अरे है, तो हमने कहा कि डायनामिक मेमोरी में अगेन क्या करें, एक लार्जर अरे क्रिएट कर दें और उसको नाम क्या दे दें, टेम्प। तो टेम्प जब आप लिखेंगे इंट स्टैटिक टेम्प, तो मेमोरी वेरिएबल टेबल में इसके लिए क्या होगी, स्पेस रिजर्व होगी, लेट से इसे टी
और इसके लिए जो स्पेस रिजर्व हुई स्टैटिक मेमोरी लेट्स से वो दिस वन थी। तो अगर हम लेट्स स्टैटिक यहाँ से रिमूव करते हैं थोड़ा सा नीट कर लें, और हम कह रहे हैं कि लेट्स से स्टैटिक मेमोरी में ये स्पेस रिजर्व हुई आपके टी के लिए जो टेम्परेरी अभी आपने क्रिएट किया है, और इस मेमोरी का एड्रेस था लेट्स से 201। तो 201 यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया 201 यहाँ पे आपका स्टोर हो गया। तो इसको रिज्यूम करें फिर 201 ओके। सो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आपने स्टैटिक मेमोरी कंप्लीट होगी, फिर आपने कहा कि इसमें क्या क्रिएट करें, डायनामिक मेमोरी में 10 स्लॉट्स की रे क्रिएट करें, और न्यू क्या करेगा, फर्स्ट 10 स्लॉट की ये रे क्रिएट करेगा डायनामिक मेमोरी में, और सेकंड काम उसने क्या करना है, जो फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है वो रिटर्न करना। तो फर्स्ट इंडेक्स का लेट्स से यहाँ पे हम कहते हैं कि 50 था एड्रेस, 50 क्योंकि इंटीजर है, 54, 58 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इंडेक्स का रिजल्ट रिटर्न करें, तो ये रिटर्न हो के कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैटिक मेमोरी के पॉइंटर में 50। तो इन अदर वर्ड्स अब ये मेमोरी किसे पॉइंट कर रही है, इस लोकेशन को जो फर्स्ट इंडेक्स का। सो यहाँ तक हमने स्टेटमेंट अपनी ये वाली अगेन कंप्लीट कर ली। फिर अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप डाटा पीटीआर आई, यानी कि इन अदर वर्ड्स डाटा पीटीआर जीरो इंडेक्स से वैल्यू को पिक करें और टेम्प के जीरो में स्टोर करवा दें। सो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू को पिक करें जीरो इंडेक्स से और टेम्प के जीरो इंडेक्स में स्टोर करवा दें। तो जीरो इंडेक्स से पिक करके यहाँ पे जब वैल्यू गई तो क्या स्टोर होगा, 5। नेक्स्ट आपकी वैल्यू 20, नेक्स्ट 3 एंड सो ऑन। जितने ही सरे में वैल्यूज़ हैं, जितने आपने लूप के अंदर कंडीशन अप्लाई की, वो सारी वैल्यू आपकी टेम्प में स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम वापस आएंगे। अगेन अब हम क्या कह रहे हैं कि डिलीट क्या कर दें, ये तो लूप हमारा कंप्लीट हो गया, वैल्यूज़ हमने लार्जर अरे टेम्प अरे में स्टोर करवा दी। अब हम बात कर रहे हैं कि डेटा पीटीआर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कर दें, और साथ हमने ये दो ब्रैकेट्स ऐड की हैं, ये दो ब्रैकेट्स ऐड किए हैं। इसका मतलब है कि डेटा पीटीआर सिंगल वेरिएबल नहीं है, इट्स एन अरे, उस कंप्लीट अरे के लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो फ्री कर दें। तो कंपाइलर सबसे पहले देखेगा डेटा पीटीआर है एक्चुअली है, उसकी मेमोरी एड्रेस पे आएगा और देखेगा इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो डेटा पीटीआर के पास स्टोर है मेमोरी एड्रेस 11। तो 11 मेमोरी पे आएगा, सबसे पहले क्या रिमूव करेगा, ये जो स्लॉट है इसको रिमूव कर देगा। तो लेट्स से अगर हम इसको रब कर दें तो ये स्लॉट क्या हो जाएगी, रिमूव। इन अदर वर्ड्स ये मेमोरी एड्रेस क्या हो गया, फ्री हो गया। फिर क्योंकि हमने ये दो ब्रैकेट्स ऐड की हुई हैं, लेट्स व्यू, दो ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि डाटा पीटीआर में क्या करें, प्लस 4 बाइट्स करें, 4 बाइट्स करें तो आपको ये एड्रेस मिलेगा, फिर ये एड्रेस मिलेगा एंड सो ऑन। कब तक आप 4 बाइट्स ऐड करते रहें, जब तक इंडेक्सेस जो पीटीआर के अगेंस्ट हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो इन अदर वर्ड्स ये जो कंप्लीट लेट्स से डेटा के लिए मेमोरी रिजर्व थी ये क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। लेट्स इसको हम यहाँ फिर रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने डिलीट ब्रैकेट्स लार्ज ब्रैकेट्स डेटा पीटीआर कहा है, सो इट्स मेमोरी विल बी फ्री, नॉट डिलीटेड एक्चुअली, इट बिकम फ्री। जो दूसरा प्रोसेसर इन एड्रेसेस को अब क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। सो अगेन दिस इज ए मोर बिट कम्प्लीट कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, लेकिन उसको हम बड़े सिंपल क्रूड वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब टेक्निकली डाटा पीटीआर के पास जो मेमोरी एड्रेस है 11 स्टोर तो वो है ही है, उसमें वो 11 अब एग्जिस्ट नहीं करता। इन अदर वर्ड ये मेमोरी एड्रेस के अगेंस्ट अब यहाँ पे कोई ना कोई किसी जगह पे गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो अब डाटा पीटीआर टेक्निकली 901 जो हमारा एड्रेस था वो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा, इट्स बिकम एम्प्टी। लेकिन एक्चुअल हमारी जो अरे थी वो टेम्प तो नहीं थी, अब टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, लार्जर अरे को दिस वन।
तो एक्चुअल तो हमारी अरे डेटा पीटीआर थी, तो हम कह रहे हैं कि डेटा पीटीआर किसे पॉइंट करें, टेम्प को। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में राइट क्या कर दिया, डेटा पीटीआर टेम्प पीटीआर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो किस में कॉपी कर दें, डेटा पीटीआर में। सो आपका कंपाइलर देखेगा टेम्प के अगेंस्ट मेमोरी एड्रेस क्या है, 201, 201 मेमोरी पे आए हैं, और यहाँ पे मेमोरी एड्रेस क्या पड़ा होगा, 50। तो आपने स्टेटमेंट क्या लिखी, डेटा पीटीआर इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प की जो वैल्यू है वो 50। तो 50 एड्रेस कहाँ पे स्टोर करा दें, डेटा पीटीआर में। तो डेटा पीटीआर में इनिशियली क्या स्टोर था, 11। तो 11 अब राइट हो के यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। लेट्स से राइट, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 50। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा डेटा जो पीटीआर है वो किसे पॉइंट कर रहा है, अगेन दिस लोकेशन को। सो लेटर ऑन हम देखेंगे कि जब आपका डेटा पीटीआर आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो अब क्या होगा। देखें लास्टली अब हमने डेटा पीटीआर स्टोर करा दिया, डेटा टेम्परेरी को क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आपने डिस्प्ले करा दिया, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। लेकिन आपकी इस प्रोग्राम में एक लॉजिकल मिस्टेक है, वो क्या है मिस्टेक, लेट्स नाउ आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेशन पे हम क्या कहते थे, जितनी मेमोरी रिजर्व कंपाइलर ने की हुई है वो सारी मेमोरी क्या होगी, कंपाइलर खुद डिलीट करेगा। तो इस रिटर्न के बाद कंपाइलर क्या स्टार्ट कर देगा, जो मेमोरी उसने रिजर्व की हुई है उसको डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले वो आएगा, वो देखेगा कि साइज के लिए 901 मेमोरी एड्रेस है, तो साइज के लिए 901 मेमोरी को फ्री कर दें, दिस विल बी योर एक्चुअल वैल्यू। तो साइज के लिए मेमोरी, तो ये वेरिएबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर वो आएगा, वो कहेगा कि आपका जो पीटीआर है उसके लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो भी डिलीट कर दें, 9010 वो मेमोरी थी, ये मेमोरी भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, दिस वन। तो ये मेमोरी भी आपकी क्या होगी, रिमूव होगी। तो इन अदर वर्ड्स ये मेमोरी वेरिएबल टेबल में के अगेंस्ट जितनी भी मेमोरीज थी वो क्या हो जाएंगी, आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो रिमूव होना स्टार्ट हो गई, मेमोरी वेरिएबल टेबल आपका क्या हो गया, एम्प्टी। उसके अगेंस्ट जितनी भी स्टैटिक वैल्यूज थी वो सारी क्या होगी, फ्री हो गई, क्योंकि प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये जो आपकी मेमोरी रिजर्व थी डायनामिक मेमोरी में, दिस वन, ये मेमोरी रिमूव नहीं होगी। रीजन इसकी क्या है, इस मेमोरी को आपने खुद रिजर्व किया था। अब इसके अगेंस्ट जो आपने एड्रेस स्टोर कराया हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो टेक्निकली ये वाली मेमोरी आपकी अब तब तक रिजर्व रहेगी जब तक आपकी रैम या पीसी रीस्टार्ट नहीं होता, और आप इस मेमोरी को आप कभी एक्सेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एड्रेस आपने जिस डाटा पीटीआर में स्टोर करवाया हुआ था वो जो वैल्यू थी वो क्या होगी, रिमूव होगी, क्योंकि कंपाइलर के अगेंस्ट वो स्टैटिक मेमोरी थी। तो टेक्निकली अब ये मेमोरी आपकी सिस्टम में क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी, अंटिल अनलेस आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता। तो जब भी आप मेमोरी क्रिएट करें, जो भी मेमोरी क्रिएट करें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एट द एंड उस मेमोरी को प्रोग्राम टर्मिनेशन से पहले आपको खुद डिलीट मस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेमोरी हमेशा आपकी डायनामिक मेमोरी में रिजर्व रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, डिलीट एक्चुअल हमारा डाटा अंडरस्कोर पीटीआर। तो एंड ऑफ प्रोग्राम पे खुद से जितने भी मेमोरीज होंगी वो हमें डिलीट करनी पड़ेंगी। तो अब ये प्रोग्राम हमारा क्या है, कंप्लीट है, इसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है। सो लेट से 5, नाउ 5 विल बी डिस्प्लेड। तो अब हम थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पे स्टैटिक साइज किया हुआ था, तो अब हम यहाँ पे कहते हैं लेट्स से सी आउट इनपुट
लार्ज साइज, और यूजर से अगेन सी इन क्या कर लेते हैं, साइज, और यहाँ पे हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, साइज। तो दैट्स इट। तो आप आपकी अगेन मेमोरी थोड़ी सी क्या हो गई है, डायनामिक हो गई है। तो अब यही कोड अगर आप अंडरस्टैंड आर के लेक्चर में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया व्हाट इज़ अ पॉइंटर, कैसे वो एक्सेस होते हैं, तो इसी कोड को हम बैक क्लास के अंदर चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें कितने चाहिए होंगे, तीन, साइज, डाटा एंड यूज। इंसर्ट के अंदर आपका स्टेटमेंट वही रहेगी लेकिन मॉडिफिकेशन होगी, एक न्यू फंक्शन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, रिजर्व। लेट्स से ड्यूरिंग इंसर्ट टाइम आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, फुल हो गई। लेट्स से साइज 20 था, आपने 20 एलिमेंट ऐड कर लिए, तो रन टाइम हम कहेंगे कि आप क्या करें, रिजर्व करें मोर मेमोरी या आप डिक्रीज करें मेमोरी। तो रिजर्व करने के लिए कि क्या करना होगा कि हम रन टाइम पे एक टेम्परेरी मेमोरी लेंगे, प्रीवियस रे का सारा डाटा उसमें स्टोर करवाएंगे, देन प्रीवियस रे को डिलीट कर देंगे, और डाटा ए पी टी आर इक्वल टू टेम्प पी टी आर, यही कोड हम उस फंक्शन के अंदर राइट करेंगे। तो एक्चुअली दिस इज कोड ऑफ योर रिजर्व मेमोरी, और रिजर्व मेमोरी क्या हो रही है, न्यू मेमोरी क्रिएट हो रही है, प्रीवियस डाटा उसमें स्टोर हो रहा है, जो प्रीवियस स्मॉल मेमोरी थी उसको हमने डिलीट किया, और लार्ज मेमोरी के अंदर जो एड्रेस था वो डाटा पी टी आर में स्टोर करवा दिया। तो जब हम एक्चुअल बैक को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम दोबारा इस स्टेटमेंट को देखें तो देन आपको मोर क्लियर होगा एक्चुअली इस स्टेटमेंट को लिखने का यहाँ पे पर्पस क्या था। तो अगर आपने मेमोरी डिक्रीज करनी है तो अगेन सिंपल कंसेप्ट वही है कि आप स्मॉलर साइज प्रोवाइड करेंगे, जो डाटा आपने प्रीवियस अरे से उठाना है, लेट से 4 या 5 एलिमेंट्स फोर टेम्परेरी में स्टोर कराएंगे, एंड देन डिलीट डाटा पी टी आर करेंगे, तो नाउ एक्चुअली लार्जर अरे विल बी डिलीटेड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों का जो एक्चुअल कोड है वो यही है। तो अगर ये कोड हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर चेंज करेंगे, अगर हम बैक एंड साइड सम हाउ इंटीग्रेट कर दें, तो योर बैग विल बी बिकम डायनामिक बैग। इन अदर वर्ड्स इसकी मेमोरी कितनी होगी, इनफाइनाइट टेक्निकली जितनी आपकी रैम है। लेट्स से अगर आपकी रैम इनफाइनाइट है, वेरी लार्ज है, तो इस बैग में आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो नाउ योर बैग साइज मोस्टली डिपेंड्स अपॉन योर रैम। आपकी रैम या मेमोरी बहुत ज़्यादा है तो आप मैनी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अगर मेमोरी कम है तो आप कम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। सो दिस वे वी मेक इट डायनामिक। सो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो हम इसी कोड को यूटिलाइज करेंगे जो भी आज हमने राइट किया है अपने बैक को डायनामिक करने के लिए। सो बैक डायनामिक को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करने हैं व्हाट इज़ ए पॉइंटर। तो जितने भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये प्रोग्राम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है व्हाट इज़ ए कंसेप्ट बिहाइंड इट। मतलब डेटा पी टी आर कर रहे हैं तो आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हम बैक को हम कर रहे हैं तो आपको डायनामिक बैक हम डायनामिक कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या देखना चाह रहे हैं, हाउ टू ऐड डायनामिक क्लासेस। इन अदर वर्ड्स जो क्लासेस के अंदर डेटा है वो रन टाइम पे हम उस डेटा को इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। सो बैक जनरली इज नॉट इम्पॉर्टेंट रादर देन इट्स कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर द टुडे लेक्चर्स। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैंने एक न्यू टॉपिक क्रिएट कर दिया है लेक्चर डिस्कशंस, तो वहाँ पे आप आके लेक्चर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो नाउ इंशाल्लाह सी यू टुमारो, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।